आप सभी को प्रणाम। आपका स्वागत है राजेंद्र वॉच के चैनल पर। तो भाई साहब, आज बात होगी पेबल के कॉस्मोस एंड्योर घड़ी को लेके। स्मार्ट वॉच बोले तो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ होना ये जरूरी है। चलो, ये फीचर इस घड़ी के लिए बहुत प्राथमिक फीचर है, परंतु इसमें एडवांस ब्लूटूथ 5.0 के साथ कॉल्स, रीसेंट लॉग्स, डायल पैड, स्पीकर फोन और माइक दिया गया है। ये ब्लूटूथ वर्जन 5 है। अब हम कॉल्स के साथ साथ इसके नोटिफिकेशंस भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशंस में कॉल्स, SMS, ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, ये सब नोटिफाई होते हैं। अब इसके डिस्प्ले की ओर बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं डिस्प्ले साइज को लेके। इसका डिस्प्ले 1.46 इंच है और यह एमोलेड डिस्प्ले है। बिल्कुल सही, इस शानदार घड़ी का डिस्प्ले एमोलेड के साथ साथ ऑलवेज ऑन की भी खासियत रखता है। ये एमोलेड डिस्प्ले बेजल लेस डिस्प्ले है। दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले और बेजल लेस डिस्प्ले को लेके हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ दिनों बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। चलो फिर से मुड़ते हैं हमारे कॉस्मोस एंड्योर के पास। मित्रों, इस घड़ी का ब्राइटनेस 300 निट्स से लेके 600 निट्स तक है। इस घड़ी का विज्ञापन यानी मार्केटिंग हाई रेस डिस्प्ले से कर रहे हैं। मतलब कॉस्मोस एंड्योर की स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन की खासियत रखती है। अब इसके पानी को प्रतिरोध करने की क्षमता यानी कि वाटर रेजिस्टेंट कितनी है, ये ध्यान में लेते हैं। ये घड़ी IP68 वाटर रेजिस्टेंट है। चलो अब इस IP68 को समझते हैं। मित्रों, IP68 रेटिंग वाली स्मार्ट घड़ी पूरी तरह से डस्ट प्रूफ होती है। साथ ही ये 1 मीटर गहरे पानी में कम से कम 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकती है। तो दोस्तों, ऐसी वाटर रेजिस्टेंट है हमारी कॉस्मोस एंड्योर स्मार्ट वॉच। अब बढ़ते हैं कॉस्मोस एंड्योर के बिल्ड क्वालिटी की तरफ। इस घड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ठासू है। ये घड़ी शॉक प्रूफ है। इसकी बनावट पूरी तरह से मेटल एलॉय केस में है, यानी कि इसका केस मटेरियल यह जिंक एलॉय का है। इसके स्पोर्ट लुक को 2 डिजिटल क्राउन शानदार बनाते हैं। इस घड़ी की बैटरी की क्षमता 400 मिली एम्पियर है और इसे चार्ज कराने में तकरीबन 120 मिनट लगते हैं। कॉस्मोस एंड्योर का 30 दिन का तगड़ा स्टैंड बाय टाइम हमें मिलता है और लगभग 5 दिन का यूसेज टाइम है। इस वीडियो में हमने कॉस्मोस एंड्योर के बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ स्क्रीन और बैटरी को लेकर चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसके बाकी के विशेषता यानी के अदर फीचर्स पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ध्यान से सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूले। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।